सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे अपनी फैमिली के साथ। और आज का सेशन लगाने के लिए सारे इंटरेस्टिंगली डायल पेन के साथ बैठे होंगे यहाँ पे। ओके, तो जैसे आपको पता है कि मंथ का फर्स्ट पार्टिसिपेंट भी जूम वाले पार्टिसिपेंट टाइप 5 कर सकते हैं अगर आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है। यूट्यूब के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे मैं समझ पाऊंगा कि हाँ मेरी वॉइस ऑडिबल है, मेरी वीडियो क्लियर है और नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं आ रहा। ठीक है, एंड गाइस विद इन 2 मिनट्स में अपना सेशन स्टार्ट कर दूंगा। छोटी सी एक्टिविटी आप सभी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड कर दो आप उस ग्रुप में जिस ग्रुप में आप ऐड हो रखे हो। बी फास्ट, और ये सेशन ज्यादा तो नहीं बट 45 मिनट्स तक का सेशन जाने वाला है। बट 45 मिनट्स के सेशन में आपको इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी ना, जो शायद आपने कभी मतलब इंटरनेट पे भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि मुझे एलोवेरा की इतनी डेप्थ में नॉलेज मिल सकती है। ओके, तो मैं वो आज को आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपने डायरी पेन के साथ और सीरियस होकर बैठना है और सेशन को एंड तक वॉच करना है अगर आप सच में इस सिस्टम के थ्रू ना कामयाब होना चाहते हो। जैसे हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, सीआईडी के सी मतलब सीरीज देख लेते हैं, सारी है ना, गेम्स खेल लेते हैं, बट अगर हम लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना, तो हमें इस चीज के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। हो सकता है बीच में थोड़ा सेशन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार काफी बोरिंग सा है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिल रही है मुझे, ये सब मिल रहा है, वो सब मिल रहा है, बट यही नॉलेज आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब मैं सेशंस को लगाता था, जब मैं ट्रेनिंग्स को लगाता था जब प्रोडक्ट्स की, तो मुझे भी काफी ज्यादा ना वो ट्रेनिंग बोरिंग लगती थी कि यार प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिल रही है, क्या फायदा है इसका, ये वो। बट उस चीज को हमने अच्छे से समझा, अंडरस्टैंड किया, मन नहीं भी करता था तो भी हम लगाया करते थे उसको। तो आज इसलिए हमें अच्छी खासी नॉलेज है, हर एक ट्रेनिंग की हमें नॉलेज है। ठीक है, सो गाइज मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप ग्रो होना चाहते हो तो सीरियस होकर आपने सेशन को एंड तक वॉच करना है। ठीक है, सो मेरी साइड से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड कर दे अपने अपने स्पॉन्सर को और विद इन 2 मिनट्स में स्लाइड्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो इस एक्टिविटी को फॉलो करें, बी फास्ट। एंड आप देख सकते हैं काफी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं अभी, और काफी पार्टिसिपेंट ने भी एसोसिएट होना है। गाइस जल्दी से ये जो लिंक है ना, आप सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर से रीसेंड कर सकते हो अपने सभी ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप का पार्ट हो। अगर टेलीग्राम ग्रुप से आए हो, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से आए हो, आप इंस्टाग्राम से आए हो, कहीं से भी आए हो, तो ये जो लिंक है अपना, इस वीडियो का लिंक है, उसको अपना फॉरवर्ड कर सकते हो, सो दैट कोई भी पार्टिसिपेंट ना इस ट्रेनिंग को मिस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक यही ट्रेनिंग है जो आपको मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से ना बेस की नॉलेज दे सकती है। इसके अलावा और कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो आपको बेस की इतनी अच्छे से नॉलेज दे पाए। ठीक है, और आज अगर मैं बात करूँ ना, तो आज मेनली मैं सिर्फ एलोवेरा पे ही बात करने वाला हूँ। एलोवेरा हमारा हमारी इंडस्ट्री का मतलब देखा जाए बेस है, वर्ल्ड के टॉप लीडर हम एलोवेरा के ऊपर है और बी हाइव्स के ऊपर है। तो एलोवेरा के टॉपिक पे ही मैं सिर्फ आज बात करूंगा, बाकी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको कहाँ से लेनी है वो आपको मैं बताऊंगा इस सेशन के बाद। तो ये सेशन मैं शॉर्ट रखूंगा काफी ज्यादा। ठीक है, और डायरी पेन लेके बैठ चुके हैं सभी के सभी, तो जूम वाले पार्टिसिपेंट मुझे 5 टाइप कर दे प्लीज कि यस सर मेरे पास डायरी पेन है। ओके, एंड देख सकते हैं आपको मेरी स्क्रीन अभी शो हो रही होगी। ठीक है, सो सभी आप सभी का गाइस मैं वेलकम करता हूँ हमारी बेन 23 कम्युनिटी में, जिसका आप पार्ट बन चुके हैं। और ये कम्युनिटी आज आपको मतलब ये बताएगी कि इस इंडस्ट्री के साथ ना आप कैसे ग्रो होने वाले हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रो दूंगा, माई सेल्फ पवन सोनी, बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और इस इंडस्ट्री में मुझे 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। करंटली एज अ मैनेजर इस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा हूँ, और आपकी ही तरह हम डेली काफी ज्यादा यूथ को ना ट्रेन कर रहे हैं टू बिकम अ सेल्फ मेड अचीवर, कि वो अपने दम पे ठीक है स्टैंड मतलब कि इस यंग एज में ना स्टैंड ले पाए। ओके, और अपना करियर बिल्ड कर पाए इस एज में, तो उनकी हम सपोर्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। बाकी जैसे आप देख सकते हो वेन कॉमेडी का ये ऑफिशियल चैनल है, इस पे काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं, इवन 200+ ट्रेनिंग्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं जो लाइव होती हैं। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स यहाँ पे हो रही हैं, तो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट का पार्ट बन चुके हैं। क्योंकि जो फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म एक क्या है, इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है फॉरएवर लिविंग, जो हमारी ब्रांड है। फॉरएवर लिविंग में काफी ज्यादा टीम्स इन्वॉल्व है, काफी ज्यादा टीम्स।
ठीक है। अब जितनी भी टीम्स है ना, अगर मैं बात करूं हमारी टीम का जो जिसका नेम है विन कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का ना सबसे ज्यादा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर हर चीज स्केड्यूल्ड रहती है, टाइमली सारा कुछ, तो इसलिए आप वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट का पार्ट बन चुके हैं इस कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होके। ठीक है, सो बात करेंगे एलोवेरा के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एलोवेरा आज का प्लांट नहीं है, इसको मतलब हजारों सालों से इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, पहले लोग इसको लाइक इसकी जो थेरापेटिक स्टेज है ठीक है उसकी वजह से इसको यूज करते थे, क्योंकि ये हीलिंग पर्पस के लिए काफी ज्यादा ये अच्छा माना जाता था। ठीक है, बट जैसे जैसे इस पे रिसर्च होती गई, इसके और ज्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में पता लगता गया, और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसे बोला जा रहा है कि 3500 सालों से इसको यूज किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा ये चर्चित, सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया प्लांट है। ठीक है, और काफी ज्यादा कम लोगों ने ही इसको इसकी चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू को लोग समझ पाए हैं। जो लोग समझ पाए थे उन्होंने काफी ज्यादा इसके बेनिफिट्स लिए हैं। और मैं बताना चाहूंगा जो एलोवेरा है ना, इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी अपना बारबाडोस आइलैंड में, जिस वजह से देखा जाए इसकी जो बेस्ट वैरायटी है वो मानी जाती है अपना बारबाडेंसिस मिलर प्लांट। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। बाकी हमने इसके शायद वर्ड ऑफ माउथ से ही इसके बेनिफिट सुने होंगे अपने दादा परदादा से कि एलोवेरा घर के बाहर लगा लो, कहीं पे अगर स्किन जल गई है तो वहां पे लगा सकते हो, फायदा हो जाएगा, है ना। बट अगर मैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करूं, तो जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया था, जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया था, तो उनकी बॉडी को ना गाइस एलोवेरा में रैप कर दिया गया था, उनकी पूरी बॉडी को। ठीक है, रैप करने के बाद आप मतलब उसे एक चमत्कार बोल लो, ठीक है कुछ भी बोल लो, बट उनकी बॉडी में ना फिर से जान आ गई थी, एंड वो मतलब कि देखा जाए अपना हील होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस है जो कि आप बाइबल में जाके रीड कर सकते हो, इवन आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि एलोवेरा से रैप करी भी गई थी बॉडी या नहीं करी गई थी। ठीक है, सेकेंड अगर मैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करूँ, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें मतलब ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है, जो कि एक ऑनेस्ट लीडर थे, अच्छे खासे लीडर थे, जो मतलब कि काफी ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है अपनी जनता के लिए उस टाइम, तो उन्होंने एक आइलैंड को ना कॉन्कर किया था, मतलब एक आइलैंड में उन्होंने फतेह हासिल की थी। और उस आइलैंड को कॉन्कर करने का रीजन क्या था उनका, रीजन सिंपल था, उन्हें ये पता लगा था कि एलोवेरा से ना वो अपनी पूरी आर्मी को ना हील कर सकते हैं, और जिस जगह को, जिस आइलैंड को उन्होंने कॉन्कर किया था, उस आइलैंड में ना एलोवेरा की प्लांटेशन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और उस आइलैंड को कॉन्कर करने के बाद उन्होंने अपनी आर्मी को वहां पे, मतलब कि जो जो आर्मी उनकी घायल होकर आती थी, उनको वो अपना वहां पे उनके वाउंड्स को हील करते थे, फास्ट रिकवरी के लिए एलोवेरा का लेप लगाया करते थे उनके ऊपर। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो, विद दीज एविडेंस वी गेट टू नो अबाउट द थेरोपेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलोवेरा, कि ये कितनी जल्दी हील करता है, फास्ट रिकवरी करता है, हम यहाँ से ये देख सकते हैं। थर्ड अगर मैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करूं, तो इनको भी कौन नहीं जानता, ठीक है, महारानी क्लियोपेट्रा। ठीक है, इन्हें मतलब कि विश्व सुंदरी का भी अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है, इनका इसके पीछे रीजन ये था कि मतलब कि इनकी ऑफ एलोवेरा एंड डोंकीज मिल्क, ठीक है, इस वजह से अपना इनकी जो एज है ठीक है वो अपना ज्यादा नहीं दिखती थी। और इससे हमें ये पता लगता है कि एलोवेरा में ना काफी ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एंड इन शख्स को भी कौन नहीं जानता, महात्मा गांधी, है ना, ऑलमोस्ट हर इंसान ये जानता है कि कौन कैसी शख्सियत है। तो महात्मा गांधी से ना एक इंटरव्यूअर ने ठीक है एक सवाल सवाल पूछा था, दैट आप इतने टाइम तक कैसे एंशन कर लेते हो, है ना, कितने टाइम तक आप खाना नहीं खाते, तो वो चीज कैसे हो जाती है। तो सबसे पहला रिप्लाई महात्मा गांधी जी का ये था कि एक तो मेरा मतलब कि भगवान पे अटूट विश्वास, और दूसरा है कि एलोवेरा का मैं सेवन करता हूँ। ठीक है, एलोवेरा का मतलब मैं यूज करता हूँ, उसके बेनिफिट्स की वजह से इतने टाइम तक मैं अपना टेंशन रख पाता हूँ। तो ये चीज थी। आप इवन यहाँ पे जो रिपोर्टर था उसका यहाँ पे नेम भी मैंने मेंशन किया हुआ, देख सकते हो, रोमन रोलैंड। सो ये तो रही थी हिस्टोरिकल स्टेजेस की बात। अब बात करते हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस के, तो बात ठीक है, बट इसके सच में बेनिफिट्स क्या है इसके अंदर, मतलब किस रीजन की वजह से इतने लोगों ने इसके बेनिफिट्स लिए पास्ट में, और आप इसके बेनिफिट्स को जानकर इसके कैसे यूजेस अपना ले सकते हो। तो जानेंगे इसकी अपना नेचर की बात, कि नेचर ऑफ एलोवेरा ठीक है, बेसिकली ये लिलियन गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी एक स्पीशीज नहीं है, इसकी ऑलमोस्ट इसकी 400+ इसकी स्पीशीज हैं, जिसमें से 385 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि यूजफुल नहीं है। ठीक है, ना वो यूजफुल है, ना ही वो अपना नॉन यूजफुल है, मतलब वो देखा जाए
उसका कोई यूज नहीं है ओके बट उसमें से 11 ऐसी वेराइटीज हैं 400 में से जो पॉइजनस है, मतलब जिनको यूज करने के बाद आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है ठीक है, या उससे और ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और 4 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि यूजफुल हैं, मतलब जिनको आप एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के थ्रू अपना यूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट वैरायटी है जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, दैट इज बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट। अब बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट मतलब बेस्ट वैरायटी का नाम कैसे पड़ा, तो बार्बाडोस एक आइलैंड का नाम है, बार्बाडोस एक आइलैंड का नाम है। और जिस साइंटिस्ट ने उस बार्बाडोस आइलैंड में इस एलोवेरा की खोज करी थी, उसका नाम था जॉन मिलर। क्या नाम था उसका? जॉन मिलर नाम था, जिस वजह से इसकी बेस्ट वैरायटी का नाम रख दिया गया बार्बाडेंसिस मिलर प्लांट ठीक है। और ये एक सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट प्लांट का मतलब ये होता है कि मतलब ये हवा से नमी को सोखता है, ये हवा से नमी को सोखता है। मतलब उसकी डाइट क्या है? इसकी डाइट है एयर। मतलब अगर इसे पानी भी ना मिले तो भी एलोवेरा उग जाता है बिना पानी के भी ठीक है। और इसे चाहिए होता है नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट ग्रो होने के लिए ठीक है। अगर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा तो अच्छी बात है कि एलोवेरा अपना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को भी अपना अब्सॉर्ब कर लेगा, पोल्यूशन मतलब खत्म करेगा अपने एरिया की ठीक है। बट उसके बाद वो एलोवेरा ना यूज करने लायक नहीं रह जाता ठीक है। तो अगर इसके बेनिफिट्स हमें लेने हैं तो इसका जो मतलब देखना है हमें कि वो एलोवेरा ऐसी जगह पे कहाँ हो रहा है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है ठीक है। बाकी एक ऐसा प्लांट है, मतलब ऑलमोस्ट 10 ऐसे प्लांट है नियर बाय जो 24 आवर्स में ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो उनमें से एक अपना एलोवेरा भी है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप इवन सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट पे कि कितने ऐसे प्लांट्स हैं जो मतलब 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो अपना पीपल के पेड़ का जिक्र होगा वहां पे, और उसी टाइम में आप एलोवेरा को भी देख पाएंगे ठीक है। सो बाकी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, साउथ इंडिया में कुछ लोग इसको अपने घर के अंदर भी लगाते हैं ठीक है। और उनका ये मानना है कि इससे एलोवेरा लगाने से घर के बाहर अलायन बलायन दूर रहती है, मतलब बुराइयां दूर रहती हैं, वातावरण शुद्ध होता है। बट इसके पीछे अगर मैं आपको साइंटिफिक रीजन की बात करूं तो एलोवेरा क्या होता है कि अपने एनवायरमेंट से ना, जहां पे हम इसको लगाते हैं एनवायरमेंट से ना, वो टॉक्सिन्स को ना क्या कर लेता है, अपना अंदर ले लेता है, एयर को फ्रेश कर देता है, क्लीन कर देता है। जिसकी वजह से लोगों को ऐसा फील होता है कि यार काफी ज्यादा मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, वातावरण काफी ज्यादा साफ है ना। तो साइंटिफिक रीजन इसके पीछे ये आता है। बाकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड एलोवेरा का होता है ऑलमोस्ट 2-4 ईयर्स, 2-4 साल बाद ही ये मैच्योर हो पाता है प्लांट ओके। और दरअसल बट इंडिया में इतना वेट नहीं किया जाता, जब ये 1.5 या 2 फुट का हो जाता है उसको अपना मतलब जड़ से नहीं तोड़ते, वो मतलब साइड से तोड़ देते हैं और उसको यूज में ले आते हैं। जबकि इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ना वो ऑलमोस्ट 2-4 साल बाद आती है, और इसकी जो हाइट है वो 3 फुट तक ग्रो करती है एलोवेरा की ठीक है। तो ये चीज है। बाकी एलोवेरा का जो इनर लीफ जूस है ना, मतलब बीज का जो पोर्शन है, सिर्फ वही यूजफुल रहता है, बीज का पोर्शन ओके। बट क्या लोग अक्सर लोग क्या करते हैं, 99% लोग क्या करते हैं, आउटर लीफ जो कि यूजफुल ही नहीं है ठीक है, और सैप, तीनों को ना मतलब पीस देते हैं कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा निकले ओके। और एलोवेरा का जो इनर लीफ पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, सिर्फ वही यूजफुल होता है। तो ये चीज थी। एक्सटर्नल यूज की अगर मैं बात करूं तो देखो सिंपल समझो, स्किन की ना 3 लेयर्स होती हैं ठीक है। सबसे पहली लेयर जिसको आप टच कर सकते हो अपने अपनी फिंगर्स की, जो पहली लेयर देख रहे हो ना, जिसको आप छू रहे हो, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। उसके नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस लेयर। मतलब कि अगर आपके कट लग जाता है, अगर आपके कहीं पे चोट लग जाती है, आप बाइक से गिर जाते हो है ना, तो जो सेकेंड लेयर होती है ना वो होती है डर्मिस लेयर, वो होती है जो डर्मिस लेयर में दिखती है। बट जो थर्ड लेयर होती है ना गाइस, वो होती है हाइपोडर्मिस लेयर ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब की लगा लो जहां पे बोन होती है ना, हमारी हड्डी होती है उसके ऊपर, वो अपना थर्ड लेयर होती है हमारी। तो एलोवेरा करता क्या है, एलोवेरा में लिग्निन प्रॉपर्टी होती है, लिग्निन ठीक है, जो कि फास्टेस्ट पेनिट्रेटर माना जाता है ठीक है। मतलब कि स्किन के अंदर घुस के ना वो मतलब उसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है ठीक है, मतलब निकालने का काम करता है, सफाई का काम करता है ठीक है। तो लिग्निन की प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये हाइपोडर्मिस लेयर तक अपना एलोवेरा जाकर थर्ड लेयर को अपना साफ करता है। और अगर आप अच्छे से समझना चाहो तो मैं आपको बताता हूं, जब हमें हीलिंग करनी होती है ना गाइस, जब हमें हीलिंग करनी होती है स्किन की ठीक है, तो जनरली ना हमें हाइपोडर्मिस पे काम करना होता है। हाइपोडर्मिस मतलब अगर तीसरी लेयर आपकी ठीक होगी ना, तभी आपकी फर्स्ट लेयर भी ठीक होगी, क्योंकि स्किन का भी ना टाइम पीरियड होता है। जो आपकी एपिडर्मिस लेयर है वो डर्मिस बन जाती है ठीक है,
और जो डर्मिस है वो क्या बन जाती है अपना, हाइपोडर्मिस बन जाती है, मतलब कि जो डर्मिस है वो एपिडर्मिस बन जाती है और जो डर्मिस है वो अपना हाइपोडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब स्किन चेंज होती रहती है, जो थर्ड लेयर है वो सेकंड पे आती है, जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट पे आ जाती है, स्किन अपना मतलब चेंज होती रहती है, हमें बेशक ये दिखता नहीं है बट ये चीज होती है, एक टाइम पीरियड होता है इस चीज का। हमें किस पे काम करना चाहिए, हमें थर्ड लेयर पे काम करना चाहिए, बट जो बाहर मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स हमें मिलती है ना वो सिर्फ एपिडर्मिस पे काम करते हैं, वो सिर्फ अपना डेड स्किन पे काम करते हैं, जो पहली लेयर होती है हमारी, बट वो अंदर तक काम नहीं करती। बट एलोवेरा क्या करता है अपना हाइपोडर्मिस लेयर तक काम करता है और वो अंदर तक घुस जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा बारीक, काफी ज्यादा अपना लीन होते हैं, तो ये रीजन होता है अपना एलोवेरा का अंदर तक अपना सफाई कर पाने का। ये एक्सटर्नल यूज में काफी ज्यादा अपना अच्छे से यूज किया जा सकता है एक्सटर्नल यूज के लिए, और ये एंटी पोल्यूशन है, ये हमारे स्किन को मतलब फॉरएवर हेल्दी रखता है, ठीक है, जिससे हमारे सेल्स डैमेज नहीं होते, तो ये इसके काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो ये तो रही थी बात अपना एक्सटर्नल यूजेस की, अब बात करेंगे इंटरनल यूजेस की, ठीक है। तो इंटरनल यूजेस कुछ ऐसे हैं कि लिगनिन के साथ साथ ना एलोवेरा में सेपोनिन भी होता है, सेपोनिन मतलब एक बोल सकते हो साबुन है ना, सोप, एक नेचुरल सोप का काम करता है, जैसे आप खीरा काटते हो है ना, खीरा काटते हो तो ऊपर से जब रब करते हो तो एक सोपी टाइप का ना मटेरियल निकलता है, ठीक है, सोपी टाइप का मटेरियल निकलता है, वो क्या होता है गाइस, वो सेपरिन होता है, बट एलोवेरा के अंदर लिगनिन और सेपरिन दोनों का होना ना इसे वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफायर बना देता है, क्योंकि पेनिट्रेट होने के बाद ना मतलब पेनिट्रेट तो हो गया, ठीक है, मतलब गंद को उसने बाहर तो निकाला, अब उस गंद की सफाई कौन सी प्रॉपर्टी करती है, सेपोनिन करती है, सफाई करने के बाद अपना तब जाके वो चीज बॉडी से बाहर आ पाती है। इट क्लीन्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब एलोवेरा का हम इंटेक करते हैं तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो बोल सकते हैं जहाँ पे मतलब खाना सारा जाके मतलब डाइजेस्ट होता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ना क्या करता है अपना डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, आपने सुना भी होगा दादे दादे ये पर दादो सुना होगा कि अगर हमारा पेट साफ है तो पूरी बॉडी साफ है हमारी, है ना, पेट हेल्दी है तो पूरी बॉडी हेल्थी है, सारी बीमारियां पेट से होकर निकलती है ना, तो ये चीज रियलिटी है, ठीक है, अगर आपका पेट साफ होगा तो वो चीज अपना इजिली हर चीज ठीक रहेगी। अब जो हम खाना खाते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाके अब्जॉर्ब होता है, तो एलोवेरा करता क्या है, वही चीज है कि जो हम खाना खा रहे हैं जिससे पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारे अंदर जा रहे हैं ना, मतलब केमिकल्स जा रहे हैं, तो एलोवेरा उसको साफ करने का काम करता है। बाकी एलोवेरा के तीन स्टेजेस होते हैं जो मैंने अभी लाइन बोली है ना, साफ करने का काम करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली स्टेज है क्लींजिंग स्टेज है, सेकंड है नरिशमेंट स्टेज, थर्ड है थेरापेटिक स्टेज। तो ये तीनों स्टेजेस को ध्यान से सुनना है ना, सेशन ज्यादा लंबा नहीं रह गया, अब इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये चीज ना ज्यादा लोगों के समझ में नहीं आती, ठीक है। तो अगर हम कुछ गंदा खाते हैं वो हमारी छोटी आंत में जाकर चिपक जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो एलोवेरा इज सो पावरफुल कि वो अपने पेनिट्रेट वहां पर जाके पेनिट्रेट करता है और सेपनिन होने की वजह से उसको दोबारा से क्लीन कर देता है, इसलिए बोला जाता है कि एलोवेरा पीने के बाद आपको थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए सवेरे सवेरे, ठीक है, जिससे कि जो सेपनिन सफाई हुई है वो हमारी बॉडी से निकल भी पाए, अदरवाइज पिंपल्स होते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हमें शायद एलोवेरा से इन्फेक्शन है, एलर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको राइट वे से यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्लींजिंग स्टेज के बारे में जानेंगे, एज एलोवेरा हैज लिग्निन एंड सैपोनिन, जैसे कि आपको पता है कि लिग्निन एंड सैपोनिन इसमें है तो इसे बेस्ट डिटॉक्सिफायर बोला जा सकता है, और लिग्निन क्या करता है, पेनिट्रेट करता है टॉक्सिन्स को हमारे इंटेस्टाइन से और सैपोनिन उसको साफ करता है, और उसके बाद हमें 15 से 20 मिनट बाद बोला जाता है कि पानी पीना है, ठीक है। अगर आप पानी नहीं पियोगे, देखो एलोवेरा काफी गर्म चीज है, एलोवेरा काफी ज्यादा गर्म है, और अगर ठीक है एलोवेरा हम पी रहे हैं और हमारी बॉडी से गंद निकल रहा है, अब गंद कैसे निकलेगा, जब हम अपना पानी पिएंगे तभी तो वो बॉडी से फ्लश होगा यूरिन की फॉर्म में, तभी तो वो बाहर आएगा, या फिर वो अपना वेस्ट की फॉर्म में बाहर आएगा या यूरिन की फॉर्म में बाहर आएगा वो, ठीक है। बट अगर हम पानी नहीं पिएंगे, कई लोग बोलते हैं इवन एएस लेवल पे होने के बाद भी, कई लोग जैसे एलोवेरा का यूज करते हैं तो बोलते हैं सर एलोवेरा तो हमने पिया था बट मेरे को ना उससे पिंपल्स हो गए, रीजन उसका ये था डियर कि आपने एलोवेरा तो पिया बट उसके बाद पानी नहीं पिया, और अगर पानी नहीं पियोगे तो जो वो गंद है वो या तो पिंपल की फॉर्म में बाहर आएगा, क्योंकि जो बॉडी में जो वेस्ट है उसमें तो बाहर आना ही आना है, ठीक है, पिंपल की फॉर्म में बाहर आएगा, या आपके आपके हाथों में कोई किसी तरह का छोटा हल्का ये पिंपल हो सकता है, रैशनेस आ सकती है ना, तो प्रॉपर अगर तरीके से यूज करोगे तो वो अपना आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट भी देगा, ठीक है। अदरवाइज एलर्जी किसी को नहीं होती, या तो आप अच्छी वैरायटी यूज नहीं कर रहे, अगर अच्छी वैरायटी यूज कर रहे हो तो उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको,
ठीक है, द टॉक्सिन्स अदरवाइज। हाँ, अब बताना चाहूंगा मैं आपको, जो हमारी छोटी आंत होती है ना, आंत मतलब जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें जितना भी हम खाते हैं ना, गंध जमना शुरू हो जाता है। सुना भी होगा आपने, हमारे पेरेंट्स बोलते भी थे बच्चों ने, हमारा बच्चा खाता बहुत ऐसे लगता कुछ नहीं है ना। तो अक्सर होता भी है, कई कई लड़के बड़े पतले होते हैं, गर्ल्स भी काफी पतली होती हैं, और वो ये बोलती है मैं फूडी बहुत ज्यादा हूँ, है ना, मैं फूडी बहुत ज्यादा हूँ, मैं खाता बहुत हूँ, भाई ये है वो है, बट मेरी बॉडी को लगता नहीं है। रीजन ये है कि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं, टॉक्सिन्स जम रखे हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जितना भी आप खा रहे हो, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रॉपर लग नहीं रहा है, वो सिर्फ बोल सकते हैं कि एक तरह से हमारी बस लाइफ चल रही है खाना खाने से, बट जो हमारी डाइट को, हमारी बॉडी को लगनी चाहिए ना, वो लग नहीं रही, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जा नहीं पा रहे, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं, मतलब जम रखे हैं हमारे, जहां से न्यूट्रिशन ने अब बॉडी के अंदर जाना है। ठीक है, और वो इवन इतने ज्यादा बारीक होते हैं ना कि सर्जिकल ब्लेड भी ना उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल नहीं सकता। बट अगर मैं एलोवेरा की बात करूँ ना गाइस, एलोवेरा इसको अच्छे से पेनिट्रेट करके ना सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये चीज है, ये रियलिटी है, ठीक है, ये एक फैक्ट है, आप सर्च भी कर सकते हैं कि एलोवेरा कितना पावरफुल है, और टॉक्सिन्स को जब वो बाहर निकालता है, तो जो भी हम खाते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, वो हमारी बॉडी को लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि हमारा जब इंटेस्टाइन साफ होगा, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रॉपर मिलेगा, तो हम मतलब कि न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारी ब्लड फ्लो के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, तो हमारे सेल्स भी अपना डेड नहीं होंगे, हमारे सेल्स एक्टिव रहेंगे, ओके, ऑप्टिमम हेल्थ हमारी इंप्रूव होगी, और हमारे को जो खाना है ना, वो मतलब कि लगना शुरू हो जाएगा, मतलब अब्जॉर्प्शन रेट उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट टेकन विद एलोवेरा जेल 3.7 मतलब गुना ना ज्यादा अपना फास्ट हो जाएगा न्यूट्रिशन अब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। बात करेंगे अगर न्यूट्रिशन की, ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन हमें एलोवेरा से कितना मिलता है, 12 विटामिंस, 18 एमिनो एसिड्स, 22 मिनरल्स, 9 एंजाइम्स, 13 एंथ्रेक्नोन्स, और एलोवेरा में ना सबसे बेस्ट चीज होती है, दैट इज TNF, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, मतलब कि कैंसर तक को खत्म करने का इसमें इसमें पावर है। अब जानेंगे कैसे। ठीक है, अब बात करेंगे अगर विटामिन्स की, ठीक है, विटामिन्स की अगर मैं बात करूं, तो विटामिन्स आपको पता है कि कितने ज्यादा यूजफुल हैं, इवन सेकेंड थर्ड क्लास में हमने सुना होगा दैट विटामिन एंड मिनरल्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग्स फॉर अवर बॉडी। ठीक है, तो विटामिन्स आपको पता ही है कि अपनी बॉडी के लिए कितने ज्यादा इसेंशियल है। सेकेंड बात करूंगा एमिनो एसिड्स की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 तरह के एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कि जब प्रोटीन हम लेते हैं ना, ठीक है, जब प्रोटीन हम लेते हैं किसी भी फॉर्म में, अगर हम चपाती ले रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ग्राम्स का प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्रोटीन हम लेते हैं ना, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में, प्रोटीन ब्रेक डाउन मतलब कि वो अपना बिखरता है अंदर जाके, ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में, एंड अमीनो एसिड्स आर द थिंग्स जिनसे हमारे सेल्स बनते हैं, अमीनो एसिड से ही हमारे सेल्स बनते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक तरह से एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग आप देखते हो, तो जो दीवार होती है ना बीच में, सॉरी जो जो पत्थर होते हैं ना बीच में, वो अमीनो एसिड्स हैं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे पूरी बॉडी आप देख रहे हो ना, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो गाइस एमिनो एसिड्स इतने ज्यादा मतलब कि इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, तो इसमें 18 तरह के एमिनो एसिड्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 22 मिनरल्स की, 22 मिनरल्स में देखने को मिलते हैं, तो मिनरल्स मतलब विटामिन्स को अब्सॉर्ब होने के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं, लाइक इसमें कैल्शियम होता है, कॉपर होता है, क्रोमियम, जिंक, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इसमें देखने को मिलती हैं, 22 तरह के मिनरल्स होते हैं। बाकी एंजाइम्स की अगर बात करूँ, उसमें एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर कैटेलिस्ट जो हमारी मतलब बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ना इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं अपना मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड 13 एंथ्रेक्नोन्स, एंथ्रेक्नोन्स क्या होते हैं, बेसिकली एंथ्रेक्नोन्स क्या होते हैं, एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एंटी इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, मतलब एलोवेरा में इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है एलोवेरा कि इससे सूजन भी कम होती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन वगैरह, और लाइक किसी तरह का वायरस है हमारे अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन है, तो उनको काटने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये सारी एंटी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं, इन्हें आंतकनोन्स होते हैं, फिर अदरक के आंतकनोन्स में मिलते हैं। बाकी जो मैंने शुरुआती तौर पे बात करी कि इसमें TNF होता है ना, तो TNF क्या चीज है, TNF सिंपल वे से बताना चाहूंगा आपको, TNF का मतलब होता है कि ट्यूमर को ना ब्लड की सप्लाई काट देता है एलोवेरा, मतलब ट्यूमर को जो ब्लड की सप्लाई जा रही होती है ना,
ट्यूमर हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, मतलब जिनको होता है उनको क्या होता है कि ट्यूमर को ना ब्लड की सप्लाई रेगुलर बेसिस में जा रही होती है और ट्यूमर उससे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एलोवेरा करता ही है कि ट्यूमर को जो ब्लड की सप्लाई जा रही होती है ना, उस ब्लड की सप्लाई को ही क्या देता है, काट देता है बीच से। तो बोल सकते हैं कि इसमें अपना कैंसर तक को अपना तोड़ने तक की इसमें क्षमता होती है। तो ये चीज है। बाकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है अपना एलोवेरा, मतलब कि इसमें इम्यूनिटी मॉड्यूलेट भी करता है, अगर ज्यादा तो कम भी करता है, मतलब बैलेंस करता है। ये नहीं कि मतलब कि बढ़ाता ही है, बैलेंस करता है, मॉड्यूलेटर बोलते हैं एलोवेरा को, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिल पाए और हमारी बॉडी ओवरऑल हेल्थी रह पाए, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी एंटी एजिंग, जैसे कि कई लोग होते हैं अपना 25 साल के लगते हैं, अपना 35 साल के, है ना, तो रीजन उसके पीछे ये कि हमारी बॉडी क्या हो रही है गाइस, ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडाइज एग्जाम्पल के थ्रू मैं लीड करूंगा, जैसे हमारी बॉडी डेली ऑक्सीडाइज हो रही है, तो एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एलोवेरा करता ये है कि ऑक्सीडाइजेशन होने से ना रोकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं एक सेब से, एप्पल से। हम अगर सेब को बीच से काट के फ्रिज में रख देते हैं तो होता क्या है, फ्रिज में रखो बाहर रखो, सेब में तो लाल पड़ना ही है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब ये बटुकना स्टार्ट हो जाता है, वो सूखना सा स्टार्ट हो जाता है, उसमें लाल हो जाता है, जो सेब वाइट दिखता है अंदर से वो लाल होने लग जाता है, रीजन ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसे ही गाइज हमारी बॉडी ना डेली बेसिस पे ऑक्सीडाइज हो रही है, हमें शायद दिख नहीं रहा, बट साल 2 साल बाद आपने देखा होगा कि जो ग्लो हमारे फेस में पहले थी वो आज नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमारी हमारे सेल्स प्रॉपर तरह से अपना देखा जाए, सेल्स मर रहे हैं, है ना, सेल्स इतने ज्यादा मतलब कि क्या हो रहे हैं अपना, रिपेयर नहीं हो पा रहे, ठीक है, रिन्यू नहीं हो पा रहे, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। बट आफ्टर टेकिंग एलोवेरा जेल आप देख सकते हैं कि पहले कैसा फर्क था और आफ्टर यूजिंग एलोवेरा जेल कैसा फर्क आया फेस पे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये एंटी एजिंग है एलोवेरा। मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एलोवेरा की बात कर रहा हूँ कि इसकी क्वालिटीज कितनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज एंटी एजिंग है, ठीक है, हमारी स्किन डेली ऑक्सीडाइज हो रही है, तो हमें उसका अमल देखा जाए, ध्यान भी रखना चाहिए। और एलोवेरा इज सुपर एंटी ऑक्सीडेंट जो कि इन चीजों को रोकता है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, एलोवेरा रिपेयर्स रिपेयर करता है, ठीक है, रिटेन करता है हमारे सेल्स को, एंड रिन्यू करता है द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब समझना है इस चीज को, अगर सेल्स मरेंगे नहीं, इफ सेल्स वॉन्ट डाई, फिर तो टिश्यू भी नहीं मरेंगे, ठीक है, और अगर टिश्यू वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है, तो ऑर्गन्स भी एक्टिव रहेंगे हमारे, और अगर ऑर्गन सारे अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी सिस्टमेटिकली वर्क करेगी और हमारी बॉडी रहेगी फॉरएवर हेल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सेल्स पे कितना ज्यादा काम करता है एलोवेरा, बट हमारी डाइट कितनी गलती है आज की डेट पे, ठीक है, आप देख सकते हैं, वो पुरानी 30 साल पहले वाली डाइट नहीं रही है जो थी पहले। इवन जितना मर्जी हेल्दी फूड आप खा लो, पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स उसमें मिलावट तो होती ही होती है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूँ दूध की, है ना, दूध भी आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर इंसान दूध का सेवन करता है ना, वीगन काफी कम लोग होते हैं जो मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते, है ना, मतलब वीगन अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो मतलब ओनली 0.01, मतलब बोल सकते हैं कि इतनी परसेंटेज में वीगन होंगे, अदरवाइज सारे के सारे लोग अपना दूध का सेवन करते करते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करते करते हैं। तो WHO की एक वार्निंग थी कि दूध में मिलावट बंद नहीं हुई ना तो 87% इंडियंस को ना 2025 तक कैंसर हो जाएगा। जस्ट इमेजिन 87% इंडियंस को, मतलब 100% में सिर्फ 13% कम है, मतलब ऑलमोस्ट हर इंडियन को क्या हो जाएगा, 2025 तक कैंसर होगा। और ये WHO की वार्निंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब 87% छोड़ दो आप, जस्ट इमेजिन अगर 50% को भी हो जाता है तो हर एक घर में हमें पेशेंट मिलेगा मिलेगा देखने को। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ना मिलावट हो रही है। अब यहाँ पढ़ भी सकते हो आप, सारे एजुकेटेड हो, 14 करोड़ लीटर की क्या हो रही है, उत्पादन हो रही है, पर खपत कितनी हो रही है, मतलब कि यूज में कितना लिया जा रहा है, 64 करोड़ लीटर, पर उत्पादन कितना हो रहा है, मतलब कि देखा जाए है कितना, 14 करोड़ लीटर, ठीक है। अब आप यही से अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल पे क्या चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर मतलब आपके पास बेशुमार पैसा है तो आपको ये चीज नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता हम किस फॉर्म में, इवन हम मॉर्निंग में जो ब्रश भी कर रहे हैं ना उसमें भी फ्लोराइड होता है, आपको ये चीजें शायद नहीं पता होंगी। इवन अगर आप घर में कोलगेट यूज करते हो ना, हम तो अगर मार्केट में पेस्ट भी लेने जाए ना,
अगर एक पेस्ट लेने जाए तो पेस्ट नहीं बोलेंगे हम, पता है क्या बोलते हैं, भैया एक कोलगेट देना, बेशक चाहिए हमें पेप्सोडेंट पर हम बोलेंगे कोलगेट देना, क्योंकि इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं ना बचपन से यूज कर करके। सोच के देखो, ठीक है, फ्लोराइड होता है उसके अंदर, फ्लोराइड, फ्लोराइड के ना आप एक काम करना, सेशन एंड होने के बाद ना कमेंट जब भी करना है सेशन के अंदर, वीडियो के में कमेंट नीचे तभी ड्रॉप करना जब आप सर्च कर चुके होगे, और नेट पे जाके आपने ये सर्च करना कि फ्लोराइड के साइड इफेक्ट क्या क्या है, साइड इफेक्ट फ्लोराइड, साइड इफेक्ट लिखने के बाद ना इमेजेस में जाना, आप इमेजेस में आपको पता लगेगा कि फ्लोराइड बनता कैसे है। वो बोन के क्रश से बनता है, जानवरों की जो हड्डियां होती है उनके क्रश से बनता है कि हमारे दांत और ज्यादा मतलब ब्राइट दिखें। सेकेंड थिंग, उसके जो आपको साइड इफेक्ट अगर देखने को मतलब देख लिया ना आपने, शायद आप उसको यूज नहीं करोगे। साइड इफेक्ट उसके ऐसे ऐसे हैं कि उससे कैंसर तक हमें हो सकता आ सकती है, हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमें मतलब भूलने तक की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले टाइम पे हमें दिखेंगी, शायद एकदम से नहीं दिखती, क्योंकि कोलगेट हम डेली इतना 20-20-30 ग्राम हम खा नहीं रहे, पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना उसको हम यूज कर रहे हैं। और दवाइयां भी ना 2 या 3 mg की होती हैं, पर असर वो भी करती हैं। तो सोच के देखो, डेली ब्रश कर रहे हैं हम, फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उससे कितने ज्यादा हमें साइड इफेक्ट आने वाले टाइम पे होने वाले हैं। ठीक है, गर्ल्स बॉयज जो भी मुझे सुन रहे हैं, इवन किसी के पेरेंट्स भी सेशन लगा रहे होंगे, तो एक बार सर्च करना, ठीक है, सर्च करोगे तो बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा कि फ्लोराइड की स्पेलिंग में बता देता हूँ आपको, FLORID, फ्लोराइड अगर आप लिखोगे तो आपको वहां पे एक्सैक्टली मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज अच्छी लग रही होगी जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ जी, फ्लोराइड की एग्जैक्ट स्पेलिंग में बता रहा था आपको, FLURID, फ्लोराइड, आप जाके जरूर सर्च करना है इस चीज को। अब बात रुको, अगर मैं FLP की, एलोवेरा की, तो सबसे बेस्ट वराइटी FLP यूज करती है बारबाडेंस मिलर प्लांट। ओके, और मैंने बताया था कि बेस्ट वराइटी मतलब क्यों है और नाम कैसे रखा गया है ना, तो फॉरएवर लिविंग यही वराइटी यूज करती है, और ये उगाया जाता है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में, मतलब जहां पे इसकी प्लांटेशन होती है, एरिजोना USA में होती है, डेलास में, डोमिनिकन रिपब्लिक में होती है। इवन आपको मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ना, सच में आप फैन हो जाओगे कि किस लेवल पे इसकी वो हो रही है प्लांटेशन और इसका मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ कैसे हो रहा है। ठीक है, और इसका जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 2 से 4 साल का होता है। ठीक है, तो 2 से 4 साल की अगर मैं बात करूँ ना, 2 से 4 साल इंडिया में कोई भी नहीं रखता इतना, इतना वेट किसी, इतना पेशेंस किसी में है ही नहीं, बेशक वो जितना मर्जी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो मर्जी हो। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं एलोवेरा की प्लांटेशन की, उसमें 2 से 4 साल वेट करके अपना, जब तक इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं आ जाती तब तक इसको अपना काटा नहीं जाता, उसके बाद इसको अपना यूज किया जाता है। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस कैसा है इसका, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि बाजार में जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, एक तरह से उसमें केमिकल्स भी मिक्स हो रहे हैं, बट FLP की बॉटल में ना 97.5% ना हमें एलोवेरा देखने को मिलता है, और जो 2.5% जो रह गया ना, वो इसके अंदर यूरोपियन हर्ब्स हैं, मतलब जो डाली जाती हैं जिससे एलोवेरा को मतलब कि कोल्ड प्रेसिंग करके ना उसमें हर्ब्स डालते हैं कि वो सालों साल अपना यूज में लाई जा सके। ठीक है, और आप जब यूज करोगे आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ मतलब कि ऐसा लगे, यूज करोगे तो लगेगा कि पत्ते से तोड़ के डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो, इतना ज्यादा फ्रेश लगता है वो। ठीक है, और एलोवेरा को गर्म नहीं करते हैं, उसको कोल्ड प्रेसिंग करते हैं। कोल्ड प्रेसिंग कैसे करते हैं वो आपको वीडियो में दिखाने को मैं अच्छे से मदद दूंगा, अभी थोड़ा वेट करना। ठीक है, आप एक और चीज देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स फ्री है ये, इसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं मिलाया जाता। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट में जितनी भी चीजें होती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह सारा कुछ मिलाया जाता है। सील्स ऑफ अप्रूवल्स ऐसी हैं, इसमें इस्लामिक सील है, MHLAL की सील है, ओके, इसमें ISC की सील है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है, जो कि किसी भी एलोवेरा में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इवन 99% एलोवेरा आप देखोगे मार्केट में तो उसमें अपना नहीं मिलेगी देखने को। ठीक है, तो ये चीज थी। अब सील्स ऑफ अप्रूवल्स की बात करूंगा, जैसे आपको पता है कि इंडिया में FSSAI की अप्रूवल बहुत ज्यादा, उसकी मान्यता मानी जाती है कि हाँ इसकी अप्रूवल है, तो ये चीज जेन्युइन है क्योंकि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एसोसिएशन के थ्रू अपना अप्रूवल हो रखी है। ठीक है, बट सोच कर देखो, जो जो ब्रांड ना कि सिर्फ इंडिया में 160+ कंट्रीज में चल रही है, सोच के देखो उसके पास कितनी सारी अप्रूवल्स होंगी। इंडिया में अगर FSSAI के अप्रूवल से ना मिलती तो इंडिया में ना आ पाती है ना। अब सोच के देखो, इंडिया से कितनी स्ट्रिक्ट कंट्रीज हैं, दुबई, जहाँ के आप रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे ना, मतलब एक स्पिट करने का भी ना
एक दुबई जैसी कंट्री में ना गाइस, स्पिट करने का भी चलान ना कम से कम 60-60 हज़ार का है। मैं ये बता पा रहा हूँ, क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के जीजू वहां पे रहते हैं। सोच के देखो इतना महंगा चलाना। तो वहां की जब अप्रूवल हमें मिलती है FLB की, सोचो इतनी स्ट्रिक्ट कंट्री में फेयरवेल दुबई में टॉप पे चल रही है ना। ऐसे ही अगर मैं यूएसए की बात करूँ, यूएसए में हमारा मेन इसका इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और कितनी सारी कंट्रीज की अप्रूवल इसे मिल रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसे इसलिए इसे वन ऑफ द बेस्ट सील ऑफ अप्रूवल माना जाता है MLL की सील, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ड्रग्स ऐड नहीं किया गया है, किसी भी तरह की इसमें एडिक्शन नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह की इसमें एडिक्शन नहीं है। और इस्लामिक सील मतलब ही ये होता है कि इसमें अल्कोहल, इसमें कोई भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं है। ISA की सील होती है, जब ISA की सील होती क्या है, इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल की सील की जो प्रामाणिकता होती है वो हमें जब मिलती है, जब 98 कंट्रीज मतलब में अपना इसकी क्वालिटी कंडीशन में उगाया गया, मतलब कि जब माना जाता है कि मतलब कि 98 कंट्रीज में ना एलोवेरा की बेस्ट क्वालिटी कंडीशन में इसे अप्रूवल मिली है, तब जाके अपना ISA की सील हमें अपना मिलती है। और देख सकते हैं जाके, अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो उसमें ISA की सील आपको देखने को नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च कर देंगे ISA की सील होती क्या, तो आपको वहाँ ब्रीफ में इसको स्टडी करने का मौका मिलेगा, जरूर जाके देखें, ठीक है। बाकी जो भी एलोवेरा की बॉटल्स पैकेजिंग होती है वो सारी बायोडिग्रेडेबल होती है ना, इन्वायरमेंट को हार्म इससे नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो ये भी चीज काफी अच्छी है। बाकी हाँ, लास्ट वाली सील आप देख रहे हो ना, कोशर रेटिंग और लिपिंग बनी। कोशर रेटिंग तो ये होता है कि इसे बच्चे से लेके बूढ़े तक इसे कोई भी यूज कर सकता है, बिकॉज ये दवाइयां नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन एक हेल्थी पर्सन भी यूज कर सकता है, और अनहेल्दी को तो यूज करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज बेशक हम हेल्दी हैं बट आने वाले टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमें न्यूट्रिशन का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो एलोवेरा इज द मोस्ट पावरफुल प्लांट। यूज कैसे करना है इसे, एम्प्टी स्टमक यूज करना है इसे, है ना, खाली पेट इसे हमें यूज करना है, और डे बाय डे इसकी जो कैप है वो इंक्रीज कर सकते हो, 50 ml तक आप इसे यूज कर सकते हो लेके जाके, बट हफ्ते बाद लेके जाना उसको। स्टार्टिंग में आप 10-20 ml से स्टार्ट कर सकते हो, और चाय नहीं पीनी, मतलब जिनको चाय का बड़ा शौक होता है तो चाय छोड़ देना अगर आपने अच्छे से रिजल्ट इसके लेने हैं। बाकी शुगर के पेशेंट्स के लिए तो ऐसा है, मतलब सब कुछ है, ये शुगर के पेशेंट्स तो इतने ज्यादा इसे रिजल्ट लेते हैं, जिनकी 200+ शुगर भी होती है, उनकी भी 120-123 mg इतने आसपास आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपना, बाकी आगे लेके जाऊंगा मैं आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, बाकी इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ पीछे, है ना। और एलोबरी नेक्टर है, गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा हेल्दी रहता है, गर्ल्स को जैसे आपको पता है क्रैम्प्स पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है ना मंथली, और स्टमक पेन रहता है, हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए ना एलोबरी नेक्टर इज द वेरी बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये शुगर के पेशेंट्स को मैं नहीं देना, क्योंकि इसमें एलो बेरी मतलब बेरी एक्सट्रैक्ट और क्रैनबेरी और एप्पल का मिक्सचर होता है इसके अंदर, तो काफी मीठा हो जाता है ये, तो नहीं देना है आपने। कंजम्पशन सेम रहेगी इसकी, पानी भी पीना है मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक यूज करने के ठीक 20 मिनट बाद आपने थोड़ा कोसा करके पानी पीना है, ठीक है। तो किडनी के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि क्रैनबेरी होता है इसके अंदर। यूरिन प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम के लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब स्टोन की प्रॉब्लम जिन्हें होती है ना, कि मतलब ये बोल सकते पथरी की प्रॉब्लम होती है, निकलता नहीं है, तो इससे इजिली वो चीज बाहर आ जाती है। बच्चों के लिए एलोपीचेस, इसमें आड़ू होता है, टीपीचेस को आड़ू बोलते हैं, है ना, और विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बच्चे मोबाइल फोन काफी ज्यादा यूज करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, ऐसे कैंसर के लिए भी काफी अच्छा है ये, हमारे हमारे मतलब कि बोल सकते हैं कि IQ लेवल के लिए काफी अच्छा है, फिजिकल ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, हाइट के लिए काफी अच्छा है एलोपीचेस। तो कंजम्पशन इसकी सेम रहेगी, तो अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। सो गाइस, आई होप यहाँ तक आपको चीज मिली होगी, बट लास्टली मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि जिसका सभी को वेट था, मुझे जूम वाले पार्टिसिपेंट, तो ऑलमोस्ट 1000+ पार्टिसिपेंट जूम के साथ कनेक्टेड है, सभी के सभी मैसेजेस कर रहे हैं सर वीडियो कब दिखाओगे, ठीक है। तो वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ, तो आपने अच्छे से वीडियो को देखना है, और इस वीडियो में आपको A to Z मेरी बात जो मैंने बताई थी ना वो प्रैक्टिकली दिखने वाली है, कि मैंने क्या चीज भूली थी, और मैंने आप देख लो, खुद ही देख लो इस वीडियो में क्या क्या बोलना चाहता हूँ। अब आप ये देखोगे यहाँ से कि कितनी ज्यादा मतलब 1000 एकड़ लैंड में इसकी प्लांटेशन हो रही है ना, कितनी लंबी हाइट से काटा जा रहा है, इसका इनर लीफ यूज किया जा रहा है ना, साइंटिफिकली इसे टेस्ट किया जा रहा है, और डीप कोल्ड प्रेसिंग से इसे किस तरह पहुंचाया जा रहा है, सारा कुछ पैकेजिंग लेबलिंग सारा कुछ अपना इस वीडियो के अंदर मेंशन किया गया है। सो अच्छे से इस वीडियो को देखना है एंड तक, ठीक है। और एक चीज आपने करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने इस वीडियो को ना
लिंक है, आपने इतना ज्यादा इसमें इस वीडियो में कमेंट्स ड्रॉप करने हैं, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सो दैट हर इंसान इस एलोवेरा जो बोल सकते हैं हमारा एक प्लांट है ना, जिसे कितने सालों से यूज किया जा रहा है ना, उसके बेनिफिट्स को हर एक इंसान जान पाएगा। और डोमिनिकन रिपब्लिक में जिसमें बताया था कि अपना एरिजोना में इसकी प्लांटेशन होती है सारा कुछ, तो आप देख सकते हैं कितने हजारों एकड़ लैंड में इसकी प्लांटेशन होती है। एंड गाइस ये जो एरिया है ना, ये नॉन पोल्यूटेड एरिया है, मतलब इसके मतलब आसपास भी मतलब किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है, प्रॉपर एरिया साफ है। देख सकते हैं किस तरीके से इसे इसे काटा जा रहा है, ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने के बाद काटा जा रहा है। कितनी इसकी हाइट है, ऑलमोस्ट 3 फुट की इसकी हाइट है, उसके बाद इसे अपना काटा जा रहा है और प्रॉपर वे से इसे ले जाकर अब यहाँ पर देख सकते हैं। सोच के देखो, अगर आप खुद का अपना कोई भी बिजनेस खोलते, कोई भी बिजनेस खोलते, किसी ना किसी प्रोडक्ट पे तो बिजनेस करते, हवा में थोड़ी बिजनेस करते, या तो मोबाइल की शॉप खोलते, कपड़े की दुकान खोलते, फास्ट फूड की शॉप खोलते, कुछ तो खोलते है ना, तो ये सारा हमारे प्रोडक्ट्स में ही आता है। अब फॉरएवर का बिजनेस आप कर रहे हो, सोचो इतना बड़ा प्लांट आपको खोलना हो, इतने लेबर्स को आपने सैलरी देनी हो, कितने रुपए आपके लग जाएंगे, लाखों में। और सोच के देखो, अगर 4 लाख 3 लाख भी आपने इन्वेस्ट कर रखे हो, अभी इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये क्या कर रहे हैं, ये इनर लीफ पार्ट यूज कर रहे हैं, सिर्फ जेल पोर्शन यूज कर रहे हैं, बाहर का पत्ता इन्होंने फेंक दिया है, ठीक है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट पार्ट यूज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इनर लीफ जूस। सिर्फ यही यूजफुल होता है क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसी के अंदर होती है, ठीक है गाइस। तो सोच के देखो, इतना बड़ा प्लांट हमें खुद खोलना हो तो लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, उसके बाद है ना हमें सेल्स ऑफ अप्रूवल्स भी लेनी पड़ेंगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है वो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट एक ब्रांड हमें मौका देती है कि आप इतने बड़े बिजनेस को, इतने बड़ी इंडस्ट्री को यूज कर सकते हो अपने करियर को बिल्ड करने में, और एक क्वालिटी वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो साइंटिफिकली ये, हाँ ये कोल्ड प्रेसिंग हो रही है, देख सकते हो यहाँ पे कोल्ड प्रेसिंग करके प्रॉपर वे से इसको अपना यूरोपियन हर्ब्स डाल के इसे प्रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है, सोच सकते हो। अब सोचो एक इंसान को भी सैलरी देनी हो आज के डेट पे, जो 10th पास भी होता है उसको भी कम से कम 10-12 हज़ार की सैलरी पे करनी होती है, तो एक आम इंसान इतना बड़ा बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता। बट फॉरएवर इज सो वंडरफुल कि हमें ऐसा मौका देती है कि हम इस लेवल पे अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, काम खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पैकेजिंग वगैरह होती है, अभी भी देखोगे आप इस वीडियो में कि कैसे इसके जो बॉटल्स होती हैं, ये देख सकते हैं प्रॉपर हर्ब्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है ना। अब सोच के देखो, जो 100 रुपए की बोतल मिलती है बाहर एलोवेरा की, उसमें उसमें ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तभी आपने बोला, सोच देखा भी होगा कि आपको शायद उससे एलर्जी हो जाती है या कुछ भी हो रहा है, उसके बेनिफिट्स नहीं हो रहे बाहर। अगर आप 10 बॉटल्स को यूज करोगे ना, फॉरएवर की हाफ बॉटल भी यूज करोगे ना, आपको उसमें बेनिफिट देखने को अपना मिल जाएंगे। तो ऐसी हमारी एलोवेरा की बॉटल्स होती हैं जो कि प्रॉपर बायोडिग्रेडेबल है, और ये प्लास्टिक नहीं है, मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको, प्लास्टिक नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अगर आप इसको जमीन के अंदर भी रखते हो तो उसके बाद कुछ ही अपना मंथ्स में अपना ये मिट्टी के साथ अपना मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके सारी पैकेजिंग होती है, सारा कुछ होता है, और ऐसे करते करते हर एक कंट्री में, जितनी भी कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग वर्क कर रही है, 160+ कंट्रीज में, उतनी कंट्रीज में ये अपना शेयर हो जाती है, ठीक है। इतने ज्यादा कंटेनर्स हैं, मैं दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है। और हमारे जो FLP के फाउंडर हैं मिस्टर रेक्समोन सर, जो कि खैर हमारे साथ तो आज के डेट पे नहीं है, लास्ट ईयर ही सर की डेथ हुई है, बट अगर मैं बात करूं इनके विजन की वजह से ना, हजारों नहीं लाखों लोग अपना सक्सेसफुल हो चुके हैं, और इनको एज अ गॉड मतलब भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि इन्होंने उन सबकी लाइफ में ना मतलब ऐसा वंडरफुल प्लेटफॉर्म लेके आया जो कि शायद एक इंसान कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं इतना कुछ, इतना बड़ा कभी कुछ कर पाऊंगा। आज इस इंडस्ट्री में अपना 10 हज़ार से लेके ना 10 करोड़ तक कमाने वाले लोग भी हैं जो मंथली भी कमा रहे हैं। इवन आप सर्च कर सकते हो रेक्समोन सर के पूरी टीम में, ठीक है, रॉल्फ किप है, रॉल्फ किप के बारे में सर्च कर सकते हो, रॉल्फ किप कौन है, ठीक है, रॉल्फ किप मंथली अगर मैं बात करूँ तो ऑन एवरेज 2 से 2.5 करोड़, इतना ज्यादा अपना वो अर्न कर रहे हैं। सो ये तो रही थी बात अपना इस टॉपिक की। सो गाइस हाउ वाज सेशन, कैसा रहा सेशन आपका मेरे साथ, है ना, सेशन काफी ज्यादा अमेजिंग गया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम नॉलेज को ले रहे हो। सो ऐसी नॉलेज लेते रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कुछ भी इस चैनल से सीखने को मिला है, क्योंकि जो विन कम्युनिटी है ना,
इसका जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम काफी ज्यादा बेस्ट है। यस इट इज ट्रू, सबसे ज्यादा बेस्ट है। और जितने भी लीडर्स यहाँ पे आपको सिखाते हैं ना, सबकी आपने बातों को अच्छे से फॉलो करना है। फॉलो करोगे तो ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं ना, इससे भी अच्छी ट्रेनिंग आप आने वाले टाइम पे दे पाओगे वो नॉलेज ग्रैप करके, ठीक है। बट उसके लिए प्रॉपर आपके पास नोट्स बने होने चाहिए। अगर नोट्स बने हैं तो ही आप उस चीज को आगे ट्रेनिंग में लेके भी आ सकते हो, ठीक है। सो मेरी साइड से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। बट एक छोटी सी एक्टिविटी जो कि जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं ना, वो छोटी सी एक्टिविटी ये आपने करनी है कि आपने ना रिव्यू देना है। रिव्यू पता है कहाँ देना है? आपने रिव्यू देना है इंस्टाग्राम पे। और रिव्यू इसलिए देना है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आज का सेशन ना कितना ज्यादा आपने सीखा है। और रिव्यू में ये पता लगेगा, मैं एक क्वेश्चन भी पुट करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, तो उस क्वेश्चन का जो इंसान रिप्लाई देगा, इट मीन्स वो आज के सेशन में ना प्रॉपर एक्टिव था, ठीक है। तो उससे ये पता लगेगा। तो ये मेरा यूजर नेम है, TVN_Sony। आप इस वीडियो के टाइटल में भी देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। तो वहां पे जाके, ठीक है, फॉलो जरूर करें अपना जाके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप कहीं भी ना कहीं भी आपको नॉलेज मिल रही है तो वो आपकी नॉलेज मिस आउट नहीं होगी। और कैसे देख सकते हैं हम ऑनलाइन अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं, हमारी हाइलाइट्स चेक कर सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या था, पहले हम कैसे थे, पहले हमने कैसे ऑफलाइन बिजनेस बिल्डअप किया है, ठीक है। और यूट्यूब की जर्नी कब स्टार्ट करी थी, कितने पार्टनर से, सारा कुछ A to Z। तो जरूर जाके अपना प्रोफाइल को चेक करें। और एक क्वेश्चन मैं पुट ऑन करूंगा, और मैंने जिनको फॉलो किया हुआ ना, 82 पार्टनर्स को मैंने फॉलो किया हुआ ऑलमोस्ट, तो वहां मेरी फॉलोइंग लिस्ट पे जाके विन कम्युनिटी को मैंने फॉलो किया हुआ है। तो विन कम्युनिटी को जाके भी फॉलो करें, जो हमारा ऑफिशियल पेज है, क्योंकि विन कम्युनिटी के पेज में आपको सारी ट्रेनिंग्स का डाटा मिलता रहेगा। इवन एक दिन पहले पता लग जाता है कि ट्रेनिंग्स कब होनी है, कैसे होनी है, कितने टाइम पे होनी है, सारा कुछ। और ब्लॉकबस्टर डे स्टार्ट हो चुका है ऐसे हमारी मेंटोरशिप, तो वो मेंटोरशिप सिर्फ होने के लिए जिन्होंने अपना लेवल क्वालिफाई किया था। तो अगर आपको प्लानिंग मिल चुकी है तो लेवल अपना क्वालिफाई करें और अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करें जो कि इस इंडस्ट्री के साथ होने वाली है, ठीक है। सो मेरी साइड से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। जरूर अपना रिव्यू दें। रिव्यू कैसे देना है आपने इस सेशन का? आप सेशन की वीडियो को पीछे कर सकते हो। पीछे करने के बाद आपको जो भी बेस्ट पार्ट लगा ना इस एलोवेरा के नॉलेज का, वो बेस्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे टैग कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, फोटो के नीचे मेरा टैग करके मुझे मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी स्टोरी मुझे वैल्यूएबल लगी, ठीक है, तो मैं जरूर अपनी प्रोफाइल पे मेंशन करूंगा और शाउट आउट भी मैं दे सकता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो मेरी साइड से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। बाकी हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल आज से चेंज हो जाएगा, तो आपको नए नए टॉपिक्स मेरे थ्रू देखने को मिलेंगे, और जितने भी लीडर्स हैं उनके भी नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं सामने, ठीक है। क्योंकि इस 2022 को ना हमें ब्लास्टिंग ईयर बनाना है, सबकी मतलब लाइफ में ना ग्रोथ लेके आनी है, ठीक है। सो मेरी साइड से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। जल्दी से इस एक्टिविटी का फॉलो करें, एंड मैं देखना चाहूंगा कितने पार्टिसिपेंट्स इस बात को फॉलो करते हैं और ग्रो होते हैं, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। चेक दो बटे। तो गाइज इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन पुट कर दिया है, जाके वहां पे जल्दी से अपना रिप्लाई करें और लाइक का बटन प्रेस करें अगर आप बाद में सेशन को वॉच कर रहे हैं। बी फास्ट गाइज, ऑल द बेस्ट।